बचपन में चाय बेचने वाला एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बना और उसने दुनिया के दिग्गज देशों से अपने देश के रिश्ते मजबूत किए। अब भारत का एक दामाद उस देश का प्रधानमंत्री बन गया है जिस देश भारत पर 200 साल तक राज किया था। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की। जी हाँ, ब्रिटेन के नए पीएम बने बोरिस जॉनसन का भारत से खास रिश्ता है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने बोरिस जॉनसन पिछले साल ही अपनी पत्नी मैरिना व्हीलर से अलग हुए हैं। मैरिना भारत में बीबीसी के पत्रकार चार्ल्स व्हीलर और भारतीय सिख दीप कौर की बेटी हैं। चार्ल्स व्हीलर जब भारत में बीबीसी के पत्रकार के रूप में काम करते थे तब 1961 में उन्होंने भारतीय सिख महिला दीप कौर से शादी की थी। मैरिना इन्हीं दोनों की बेटी हैं जिन्होंने बोरिस जॉनसन से शादी की थी। हालांकि पिछले साल ही यह दोनों अलग हो गए हैं। दीप कौर ने चार्ल्स व्हीलर से शादी करने से पहले मशहूर लेखक खुशवंत सिंह के भाई दलजीत सिंह से शादी की थी। हाल ही में लंदन में आयोजित हुए भारतीय प्रवासियों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खुद बोरिस ने स्वीकार किया था कि वह भारत के दामाद हैं। उन्होंने कहा कि उनका भारत के साथ खास रिश्ता है। उन्होंने कहा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के दौरान भी उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया था कि भारत और ब्रिटेन को साथ मिलकर कई मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने भारत से अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए यह भी कहा था कि दोनों देशों को आपस में व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता है। बोरिस के समर्थकों में कई भारतीय हैं जिनका बोरिस के मंत्रिमंडल में स्थान पक्का माना जा रहा है। इस प्रकार ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के लोगों को दबदबा बढ़ेगा। भारतीय मूल की जिन प्रीति पटेल को टेरेसा मे ने कैबिनेट से बेदखल कर दिया था, माना जा रहा है कि बोरिस की कैबिनेट में उनकी वापसी हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्हें गृह मंत्री बनाया जा सकता है। वैसे उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पार्टी चेयरपर्सन के लिए भी आगे चल रहा है। जॉनसन के पुराने सहयोगी आलोक शर्मा को भी उनकी कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। उन्हें हाउसिंग की समस्या से जुड़े विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जबकि साजिद जावेद का नाम जॉनसन के चांसलर के रूप में आगे आ रहा है।